और रचना गुप्ता ब्लॉग्स में सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल पर मिलते हैं आपको नई नई रेसिपी, ब्यूटी टिप्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, बहुत सारा एंटरटेनमेंट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली के जो लोग हैं, यानी कि आप सब लोग, वो बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ धनिया की चटनी सिर्फ 2 मिनट में किस तरीके से बना सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इससे। आप अगर पहली बार भी अपने घर पर धनिया की चटनी बना रहे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं, और इसको कोई भी बना सकता है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको चटनी बता रही हूँ, इस तरीके से कोई छोटा बच्चा भी चटनी को आराम से बना सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट में धनिया की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 बाउल धनिया। वो जितना ज़्यादा फ्रेश होगा चटनी में उतनी ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरा धनिया तो एक्चुअली कुछ दिन का हो गया है और मैं आज इसकी चटनी बना रही हूँ, इसीलिए अब इसमें जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्च। आपको जितनी भी हरी मिर्च खाना ही हो, जैसे कि आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 6-7 हरी मिर्च थी। मेरी हरी मिर्च काफ़ी छोटी छोटी थी, पर ये बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने इतनी ही हरी मिर्च ली है। आप इसमें और ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग जो है वो हमारे डाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती है, इसीलिए हर चटनी में थोड़ी सी हींग ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच सेंधा नमक। वैसे अगर आपके घर पे सादा नमक खाया जाता हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं एक्चुअली पिछले 5-6 साल से सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही यूज़ कर रही हूँ, और साथ में कभी कभी काला नमक भी यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें सेंधा नमक का ही यूज़ करूँगी। आपको अगर सादा नमक ठीक लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सेंधा नमक, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जीरा। जीरा भी हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, हमारी पेट में जो गैस और ब्लोटिंग वगैरह होती है उसको वो ठीक करता है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी पूरी 2 चम्मच भर की खटाई। आप खटाई को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ऑप्शनल होता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। मुझे लगता है कि काला नमक डालने से चटनी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और इसका डाइजेशन जो होता है, मतलब चटनी को खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मेरे को काला नमक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें। और अब इसमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा वरना ये पतली हो जाएगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें बाद में थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको पीस लेते हैं ढक्कन बंद करके। मैं इसको पीस के आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं इसको आपको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बिल्कुल यम्मी यम्मी 2 मिनट में धनिया की चटनी बनकर तैयार है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और आप इस चटनी को किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप कचौड़ी बना रहे हो, भरूले बना रहे हो, पकौड़े बना रहे हो, या फिर सैंडविचेस वगैरह, कटलेट्स वगैरह, आप इस चटनी को बना के किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आजकल जो वेजिटेबल सैंडविचेस बनते हैं उसके अंदर भी इस चटनी को यूज़ किया जाता है। तो इस चटनी को यूज़ करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो मैं अपने चैनल पर आगे दे दूँगी। और धनिया के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसको मैं अपने चैनल फिटनेस विद रचना पे एक वीडियो बनाकर डालने वाली हूँ। आप मेरे उस वाले चैनल को जाकर भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में उस चैनल का लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और मेरे इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।